हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, ऑल आवर रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। केसीपी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पार्ट 562 को आपणको सादरे स्वागत। आज आपणको पई अछि गोटे भल प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जोटा के पचारे सेइटा होउछि इडियम्स चैप्टर रु इडियोमेटिक फ्रेजेस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और सिंपली आपको इडियम्स बोली कहा जाए। ओके, ताहिले देखन तो व्हाइट बोर्ड रे जो लिखा अछि ए भलिया प्रश्न आसीबो, किंतु अभिकल ए भलिया प्रश्न आसीबो नहीं। आपणकर प्रिपरेशंस पई हमें ए भलिया करिछु, काहे कि ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पई देबा पई आपण मानुको हमें प्रिपेयर करौछु। किपरि कले आपणको बेस्ट मने रहिबो, परीक्षा रे भल करि पारिबे, अल्प समय भितरे बेसी प्रिपरेशन सहि पारिबे, सेइटा होउछि हमर उद्देश्य। सेति पई एही प्रकार प्रश्न गुडी को निया जाउछि। आपण देखन तो देखिले सुनिले सब जानि पारिबे। इंस्ट्रक्शन कहिबो पिक आउट इडियम्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित एक्सप्रेशंस पई इडियम्स गुडी को बाछंतु। नंबर 1, ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ऑल फ्रेंड रिलेटिव्स रे कोण हबो एटा छाडी दिया जाय छी, किंतु इंती छाडी दिया जेबो नाही, चारोटी ऑप्शन दिया जेबो कोटा धरंतु। ऑल एक्स फॉर एग्जांपल गोटी हमें कहि दउ छु, माने रखंतु ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ए जगह रे आपणकर आसीबो कोण मिल्क एंड हनी, ए मिल्क एंड हनी, बी बार्थ एंड ब्लड, सी किट एंड किंग, डी सम एंड डन। ए भलिया चारोटी देबो, चारोटी इडियम्स देबो आपणको, इंती देबो नाही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मानकर। किंतु आपणकर से ऑप्शन देबार की दरकार अछि, आपण तो प्रिपेयर हेबे ना। ऑप्शन न नै कि आपण देखंतु ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गोटी ऑप्शन किट एंड किंग निश्चित भाव रे थिबो, सेति पई आपण काको सिलेक्ट करिवे कीत एंड किन को सिलेक्ट करिबे। कीत एंड किन के आई एन लेखा दिबो, एटा आपनकर गोटे चारटा ऑप्शन भितर एटा गोटे थिबो कीत एंड किन। नंबर 2, विदाउट लीगल फोर्स। कीत एंड किन माने कोन, बंधु बांधव जाको आमे कहू। विदाउट लीगल फोर्स दुई अछि देखम तो नंबर 2 रे एटा भी थिबो को चारटी ऑप्शन थिबो, हेई भलिया चारटी ऑप्शन जे कोनोसी कोन थाई परे ऑप्शन डबल डीलर एट ए लॉस नॉल एंड वॉइड ए भलिया थाई परे चारटी ऑप्शन। तन मध्यरो आपण बाचिबे जोटा सेइटा को आपण टारगेट रखंतो आंसर को। आपण आंसर को जे टारगेट रखिबे चारटी ऑप्शन भितर जहां भी थिबो परीक्षा रे आपणकर प्रिपेयर होइथिबा उत्तर को ही आपणकर माइंड को माइंड आ टच करिवो, काहे कि ना एग्जामिनेशन समय रे आपणकर ब्रेन समस्तंकर ब्रेन बहुत शार्प थाए, जे भलो प्रिपेयर होइथे ना टिके मने पकाई देले सब किछि तार मने पड़ि जाउ थाए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। यस, विदाउट लीगल फोर लीगल फोर चारटी ऑप्शन भितर आपण लिखिबे नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड गोटे थिबो ताकू आपण चिन्हट करिवे। ओके, नंबर 3, इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल पार्ट कोन, नल एंड वॉइड रो अर्थ आ ओडिया रे आपण जानि चांदि त असिद्ध घोषणा करिबा। इनसेपरेबल पार्ट जाकू कि आमे अविच्छेद्य अंग बोली कहू, सेटा होची इडियम यार इडियम पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल एटा को आपण चिन्हट करिवे, इंती लिखिबा को पड़िबो नाय, केवल आपण चिन्हट करिवे। ओ हम ओएमआर सीट आपण को दिया जायथिबो, आपण सर्किल करिवे ना सर्किल जे आपण को डार्कन करिबा को पड़िबो किमा टिक मार्क इंती देबा को पड़िबो। ओके, जहां भी थाई पारे किंतु माने रखंतु ए भलिया जदि पड़िबो इनसेपरेबल पार्ट रो इडियम होची
पार्ट एंड पार्सल। क्वेश्चन नंबर फोर, नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू, नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू, या को कौन कहा जाए इडियम्स रे प्रकाश कले, कौन कहिबा बा कौन करिबा जानी न पारिबा तार अर्थ कौन हम। नंबर फोर एटा को एट ए लॉस कहा जाए, एट ए लॉस एल ओ एस एस एटा को आप चिन्ह करिबा को पड़िबो। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक बुझा जाऊ, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक माने अनवरत गोटे काम चलिबा बिना विराम रे बा बिना ब्रेक रे कौन कहा जाए ताको, एट स्ट्रेस कहा जाए। इधर तो आपन कहंती भी ना एट स्ट्रेस एस टी आर ई टी सी एच एट स्ट्रेस को चिन्ह नोट करिवे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए मैटर व्हिच इज हॉटली डिस्कस्ड एवरीव्हेयर, देखो तो भल भाव कौन कह सिक्स, ए मैटर व्हिच इज हॉटली डिस्कस्ड एवरीव्हेयर, जो गुरुत्वपूर्ण विषय सर्वत्र आलोचित होउछि तार अर्थ ताको इडियोमेटिव एक्सप्रेशंस रे कौन कहिबे गोटी इडियम तार अछि ताको कहा जाए बर्निंग क्वेश्चन। एटा थिबो आपनकर बर्निंग क्वेश्चन, ओके बर्निंग क्वेश्चन को आपन को सिलेक्ट करबा को पड़िबो। बर्निंग क्वेश्चंस बा बॉइलिंग क्वेश्चंस हार्ड क्वेश्चंस थाई पर एमके ऑप्शन गुड़ी को आपन को कंफ्यूज रे पकाइबा पाई। तापर आसन नंबर 7, ए पर्सन हु ब्रिंग्स डिसऑनर ऑन हिज फैमिली, ताको कोण कहा जाए परिवार प्रति कलंक जाको कहंती ताको आपण सिलेक्ट करिवे ब्लैक शिप कहंती, ब्लैक शिप परिवार प्रति कलंक, ए पर्सन हु ब्रिंग्स डिसऑनर ऑन हिज फैमिली ब्लैक शिप। नंबर 8, डिसीटफुल पर्सन, डिसीटफुल पर्सन को कोण कहा जाए इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस रे जाको के हम सठ बा ठक बा प्रतारक बा पूरा पूरी गोटे डिसऑनेस्ट फेलो आम कह, डिसीटफुल पर्सन को कहा जाए डबल डीलर। ये जगह आप डबल डीलर थी गोटे ऑप्शन, डबल डीलर को आप सिलेक्ट करिवे एटा हब आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कौन कहा जाए इडियम्स रे, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, ओके। किंतु ए भलिया प्रिपेयर आप रखन तो को एक्सप्रेशन रो इडियम्स कौन एटा तो मन रखले हला ए बी सी डी चारोटी ऑप्शन भितरु आपन को सिलेक्ट करबा को पड़िबो, ओके। आउ काहे कि ए बी सी डी आपन लेखुथिबे एई भलिया आपन प्रिपेरेशन रे होंतु, प्रिपेरेशन सार तरीका बा मेथड ताकु सिखंतु जिंति अल्प समय भितरे आपन बहुत गुडा मने रखी पारिबे, इंटरेस्टिंग हेबो आपन को पाई, आपन जमिति बोर न हेबे अल्प समय भितरे बेसी प्रिपेयर होई पारिबे। एई भलिया ही वीडियो टीचिंग वीडियो गुडी को केसीपी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दे आसुची आपन देखंतु हमरा पुरना वीडियो गुडी को, ओके। मने रखंतु टू लर्न इडियम्स इट इज बेटर टू यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंस रे या मान को व्यवहार करले आहुरी ठीके भलो मने रह जाए, ओके। देखि चलंतु कीप ऑन वाचिंग केसीपी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पुरना वीडियो गुडी को आपन सर्च करंतु जहां आपण चाहू छंती एई इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मध्य एटा हमर नवा क्लास नो, बहुत गुडा क्लास इडियम्स बाबद रे दिया सरी छि, अगरु आपण सर्च कले जानी पारिबे सेईटा ही आपण को सूचई देबो इडियम्स गुनी को आपण पढ़ी पारिबे। यस, थैंक यू फॉर योर वाचिंग।